आप देख सकते हैं इलिश मछली आज बनाएंगे इल्सा भापा। तो चलिए इसके लिए हमें दो बोल ले लिए हैं, इसमें मस्टर्ड ऑयल मिक्स कर रहे हैं। देखिए अब मस्टर्ड ऑयल में हम क्या मिक्स करेंगे, इसमें हमें पहले से बनाया हुआ मसाला जो जिसमें है हल्दी, सरसों, नारियल और नमक, इसमें हमने लिया है। और ऊपर से मिर्ची अलग से डाल देंगे। अब मसाले को मस्टर्ड ऑयल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसको मिक्स करने के बाद देखिए ये फिश हम इसमें ऐड करेंगे। फिश को अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स करना ज़रूरी है ताकि हर एक पीस मसाले में डूबा हुआ हो, मसाला पूरा मिक्स हो जाना चाहिए। देखिए दो बॉल में हम ले रहे हैं। और फ्रेंड्स आप इसको आज हम माइक्रो में बनाएंगे, आप ओवन में भी बना सकते हैं क्योंकि ये स्टीम से बनेगा, स्टीम में बनता है ये। तो हम आज माइक्रो में इसलिए कर रहे हैं ताकि इलिश दो तरह के रेसिपीज में बनाएंगे आज। माइक्रो में थोड़ा जल्दी हो जाएगा, हमें आज थोड़ा टाइम बचाना भी है। तो पहले हम माइक्रो में इसको देखिए मसाला का जो जिसमें आपने बनाया है उसी में आप थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसमें ऐड कर दीजिए ताकि ग्रेवी आपका ज़्यादा हो जाए। फिर इसको एक बार मिक्स कर दीजिए स्पून के ज़रिए। ये मिक्स हो गया है हमारा। चलिए हम इसको माइक्रो में अब कुक करते हैं। तो माइक्रो में फ्रेंड्स हम इसको 5 मिनट्स के लिए, पहले जो दिए हैं 5 मिनट्स के लिए दे दिए हैं। तो अभी देखिए हमारा ये प्रिपरेशन 5 मिनट्स बस होने ही वाला है। देखिए ये हो रहा है फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये मुझे लगता है आपको पसंद आएगा, ये सबको ही अच्छा लगता है। मेनली बंगाली डिश है इलिश भापा जिसको बोलते हैं, तो ये तो हमारे घर में तो बहुत पसंद है सबको। और आप भी बनाइए ज़रूर और बना के हमें कमेंट्स में बताइए कि कैसा लगा आपको ये इलिश भापा। और आप कमेंट्स में अगर बुरा भी लगा तो भी बताइए और अच्छा भी लगा तो भी बताइए। देखिए फ्रेंड्स आप देख लेते हैं, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। चलिए इसमें हाँ थोड़ा सा और टाइम देना, चलिए फिर से एक बार दे देते हैं। हमें फिर से इसको दोबारा कुक करना होगा, थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा है। तो चलिए अब इसको फिर से हम दे देते हैं, फिर से चलिए कितने मिनट्स के लिए दे देते हैं। वन चलिए चलिए 1 2 3 4 5 हाँ चलिए स्टार्ट, इसको पकने दीजिए। चलिए हम लोग तब तक आपसे बात करते हैं। फ्रेंड्स आप अगर कमेंट्स नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा रेसिपी आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। जो भी हो कमेंट्स ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब तो करना ही है फ्रेंड्स। और मैं आगे आगे आपको देती जाऊंगी। देखिए इतने में हम लोग बात करते रहे और देखिए हमारा फर्स्ट वाला जो बोल है वो रेडी हो गया बस। हाँ देख रही है आपको, देखिए इसमें सॉइल भी ऊपर आ गया है। चलिए इसको निकाल के सामने से दिखाते हैं आपको, देख लीजिए। देखिए पूरा ऑयल ऊपर आ गया है, दिख रहा है आपको फ्रेंड्स। अच्छा चलिए अब सेकंड जो बॉल है इसको हम, चलिए देखिए सेकंड बॉल भी हमने रख दिया है। अब इसको हमें कुक करना है।
तो फ्रेंड्स मैं जो बोल रही थी, ये सरसों भापा जो इलिश होते हैं इसको खाने में बहुत ही टेस्ट लगता है और टाइमिंग भी बहुत कम लगता है। ऐसे भी जो हिलसा मच्छी है वो तो नरम ही है और इसका ये रेसिपी सबसे ज़्यादा फेमस है। ऐसे तो हिलसा का कोई भी प्लेन आप झोल बना लीजिए वो भी अच्छा लगता है, और इसका जो भी बनाइए इससे एक्चुअली इसका खुद का ही एक टेस्ट ही अलग है। देखिए ये फिर से मुझे देना होगा, चलिए देखते हैं, फिर से दे देते हैं इसको फिर से हम। चलिए कितने मिनट्स के लिए, वो 10 मिनट्स हम नहीं देंगे, थोड़ा सा कम दे देंगे हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कितने देते हैं, 1, 2, 3, चलिए 3 मिनट्स के लिए, टोटल 8 मिनट्स, और पहले वाला हमने दिए थे 10 मिनट्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक कीजिए ज़रूर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।